अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बच्चों कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए आपकी लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेके आई हूँ। उम्मीद है आपने जो पिछला लेक्चर दोनों देखे अच्छे से देखे होंगे और काम भी अच्छे से तरीके से किया होगा। ये देखिए आपका बुक का पेज नंबर, आप ओपन करें पेज नंबर 10। ठीक है, पेज नंबर 10 है। इसमें हमारा लेसन का नेम है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है बच्चों लेसन का? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ रीडिंग करें और मेरे साथ साथ पढ़ें। अल्लाह ताला ने लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए नेक बंदे भेजे जिन्हें नबी कहते हैं। हमारे प्यारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम हज़रत आमना था। क्या था आपको सर? आप बच्चों आपके हमारे नबी के वालिद का नाम हज़रत आमना अब्दुल्ला और वालदा का नाम हज़रत आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कबीला कुरैश के ख़ानदान बनी हाशिम के सरदार थे। ठीक है, कौन थे आपके दादा? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कबीला कुरैश के ख़ानदान बनी हाशिम के सरदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखते थे। ठीक है, ये बच्चे आपके बच्चों पेज नंबर 10 की रीडिंग मुकम्मल हुई। हाँ ठीक है बच्चों, अभी हमने आपको इस पेज की रीडिंग करवाई, तो अब मैं आपको बताती हूँ हमने इस पेज में हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह ताला ने लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए नेक बंदे जिन्हें भेजे जिन्हें नबी कहते हैं। अच्छा, बताने के लिए अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए किनको भेजा? नेक बंदों को, जिनको जिनका नाम जिनको हम नबी कहते हैं। ठीक है, और अब उसके बाद है हमारे प्यारे नबी के बारे में पूरा उनके बताया हुआ है कि वो उनका नाम क्या था, वो कौन से रसूल थे, वो कहाँ पैदा हुए थे, और उनके वालिद और वालदा का क्या नाम था, और उनके दादा कौन थे। ठीक है, देखिए सबसे पहले है हमारे प्यारे नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। यानी कि इनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। यहाँ पे अल्लाह ताला ने नबुवत का सिलसिला, नबी भेजने का सिलसिला ख़त्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला, और वालदा का नाम हज़रत आमना था। ठीक है बच्चों, और दादा आपके दादा का क्या नाम था? जी हाँ, उनका नाम था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, और वो कौन थे? वो कबीला कुरैश के ख़ानदान बनी हाशिम के सरदार थे। कबीले का नाम था कुरैश, ख़ानदान का नाम था बनी हाशिम, और उसके आपके दादा जो थे वो सरदार थे। ठीक है, उम्मीद आपको अच्छे से समझ आ गई होगा। आप देखिए अपना पेज नंबर आप 11 ओपन करें, इसमें अब आप इसकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की मदद करते और बीमारों का हाल पूछते। अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद उतारा। कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नेकी का रास्ता दिखाया। ठीक है, अब यहाँ तक देखें कि सबसे पहले उनकी तो उनकी खूबियाँ बताई हुई हैं कि आप गरीबों की मदद करते थे और बीमार, खूबी ये थी कि आप गरीबों की मदद करते और बीमारों का हाल पूछते, और अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद उतारा। कुरान मजीद क्या है? कुरान मजीद एक आखिरी आसमानी किताब है, और इसमें और आपने लोगों को नेकी का रास्ता दिखाया। ठीक है, अब आगे देखें, रीडिंग देखते हैं। एक बार एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। इसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप ऐसा काम बताएं कि अल्लाह ताला मुझसे खुश हो जाए। ठीक है, क्या पूछा उस शख्स ने? कि एक शख्स हमारे नबी के पास आया और उसने उनसे पूछा कि मुझे ऐसा काम बताएं कि जो मैं करूं तो अल्लाह ताला मुझसे खुश हो जाए।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को एक जानो, सिर्फ उसी की इबादत करो और उसी से मदद मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, सब इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। क्या फरमाया नबी ने कि अल्लाह को एक जानो, सिर्फ उसी की इबादत करो और उसी से मदद मांगो। और साथ ही आपने ये भी फरमाया कि सब तमाम इंसान जो हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। बच्चों आपको मालूम है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? जी हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पहले नबी थे। जैसे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो पहले नबी थे। सिर्फ वो लोग अच्छे हैं जो अल्लाह से डरते हैं और दूसरों से अच्छा सलूक करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सबसे नरमी और प्यार से पेश आएं, ताकि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अपने इमला के वर्ड कौन से हैं, वो मैं आपको करवाती हूँ। वो देखिए, इसमें आपका ये हमने पहला पेज, इसमें एक छोटा सा हमने सर्कल बना के कलर करके हमने हम लेसन का नेम लिखा है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके अगला पेज आपका है, उसमें आप सबसे पहले आप यहाँ डेट लगाएंगे और यहाँ पर आप डेट लगाएंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डेट लगाएंगे और यहाँ पे डेट लिखेंगे, दिन आप यानी कि जो होगा वो उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है उनवान, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबक का नाम है। और उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, इमला की हेडिंग देंगे और फिर आप ऐसे ही लाइंस लगाएंगे, ठीक है, ऐसे नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और ये आपके इमला के वर्ड हैं, कबीला, इबादत, नरमी, पड़ोसी, नेकी, प्यार, किताब, ख्याल, बातें, मदद। बस बच्चों, आज का लेक्चर आपका इतना ही है, आपने रीडिंग याद करनी है और आपने इमला याद करनी है। थैंक यू।